नैनी लेक का जबरदस्त व्यू देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और कितना मजा आ रहा है मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। देख सकते हैं रेसिंग हो रही है, रेसिंग इधर रेसिंग हो रही है बोटिंग की। ये भैया देख लीजिए वादियां, देखिए नैनीताल की व्यू, देखिए भाई आप गजब का सीन है। मछलियां बड़ी बड़ी हैं भैया, आइए देखते हैं मजा आएगा। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अनमोल ब्लॉग्स में। तो हम लोग नैनीताल के टूर पे हैं दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पीछे नैनी लेक, और हम लोग चल रहे हैं बोटिंग करने। तो बोटिंग का जो चार्ज है दोस्तों वो हाफ चीज अगर आप घूमेंगे तो 320 रुपये, अगर फुल आप अगर पूरी लेक अगर आप सैर करना चाहते हैं तो 420 रुपये। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरे पीछे सब कुछ है, नैनी लेक का जबरदस्त व्यू देख सकते हैं। लोग नौका विहार कर रहे हैं, बोटिंग का आनंद ले रहे हैं लोग, और देखते हैं कौन कौन है वहाँ। देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है, ऐसे नज़ारे आपको यहीं देखने को मिलेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं कि नावें यहाँ पे रखी हुई हैं बोट, और इसी में हम लोग अभी सैर करेंगे। तो चलते हैं, पहले टिकट कटा लेते हैं उसके बाद। बोट स्टैंड तल्लीताल, और यहाँ पे पैसे लेके तैयार टिकट के लिए चल रहे हैं हम। तो पूरा चक्कर लगाएंगे भैया, और यहाँ पे टिकट कट चुका है। ये दिखा दो, ये भैया हम लोग को घुमाएंगे। देख सकते हैं कि टिकट हमने ले लिया है, तो कैसा महसूस हो रहा है छोटू? महसूस तो अभी जाने के बाद ही देखते हैं कैसा महसूस होता है। मजा आ रहा है? हाँ, डर तो नहीं लग रहा? हमको डर कैसे लगा? डर क्या क्या भैया, नाव तो बहुत वो है, कैसे बैठेंगे? जाओ जाओ सामने बैठेंगे। वो पहनने आराम से नीचे रख दो बीच में, वो पहन लो, वो पहन लो आराम से। ये छोटू यहाँ पे जा चुका है नाव में और लाइफ जैकेट पहन रहा है, जा रहे हैं। बहुत हिल रही है नाव, नाव जो है वो काफ़ी हिल रही है, धीरे धीरे साइड हो जाओ। चल रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी के लिए हमने ये जैकेट पहन ली है, लाइफ जैकेट। इतना टाइट कर रहे हैं मतलब क्या ही बताएं। चल रहे हैं जन्नत, अमल भाई भी अपना सेफ्टी जैकेट पहन चुके हैं। चले चले, ये नाव वाले भैया भी आ रहे हैं, तो अब हम लोग बोटिंग करेंगे। नाव की सब सेटिंग कर रहे हैं भैया, ये चप्पू लगा रहे हैं, और यहाँ पे नाव उन्होंने चलाने शुरू कर दिए। और गजब का नज़ारा है, दृश्य देखिए आप लोग दोस्तों, वाह क्या सीन है। ये दृश्य जो है वो देखते ही बन रहा है, बहुत सी नावें यहाँ चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं झील में नैनी लेक में हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। बहुत दिन से सोचे थे तो आज ये सपना हमारा पूरा हो चुका है, और दूर की नाव दिखाते हैं आपको। भैया को देखिए, दिन भर में लगभग कितना चलाते हैं भैया? सवारी पर डिपेंड है, मिल जाते हैं 5-6 राउंड। इनको भी बहुत मेहनत ही करना पड़ता है समझिए, ये सब सरकारी होगा ना भैया, गवर्नमेंट का मतलब नाव को खींचना पूरे क्या ही बताएं एनर्जी के साथ। कितना खूबसूरत हवा चल रहा है ना। हाँ बहुत ही मस्त है, और देख सकते हैं पहाड़ों के दृश्य आप देखिए, बारिश भी अब हल्की हल्की शुरू हो रही है, ऐसा लग रहा है मौसम जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है नैनीताल में, देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता।
आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लेक है ये, देख सकते हैं नैनी लेक में हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर छोटू भी है, कैसा लग रहा है छोटू? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा तो आ ही रहा है। यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं हम, तो मैच देख रहे हैं, आज हमारी टीम से मैच है। मैच छोड़ो यार, नज़ारे देखो भाई, नज़ारे मैच छोड़ो, नज़ारे देखो, मन तो दूर दूर भी नावें चल रही हैं, सब लोग सैर करके आ रहे हैं वापस, तो हम लोग अभी उस साइड जा रहे हैं। पीछे पहाड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहीं पे आपको नैना देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। वापस आते समय हम सबका फेस उधर हो जाएगा ना, सब फोटो। हाँ, अभी कुछ देर में आप ये जब नाव इस साइड से हो जाएगी तो व्यू हमारे पीछे दिखेगा, तब आपको दिखाएंगे ज़बरदस्त व्यू। यहीं से हम लोग नैना देवी के पास से होते हुए भी नहीं गुजरेंगे, आपको दूर से दिखा सकते हैं नैना देवी मंदिर। यहीं से देख लीजिए आप, आपको दिख रहा होगा नैना देवी मंदिर। चल रहे हैं इसी में परवा, ओ देख सकते हैं रेसिंग हो रही है, रेसिंग इधर रेसिंग हो रही है बोटिंग की। ये भैया हूँ, यहाँ किनारे पे शनि मंदिर है, यहाँ पर से ही आपकी जो बोट है वो मुड़ जाती है। इसके बाद अब आपको नज़ारे दिखाएंगे ज़बरदस्त तरीके के, ये देख लीजिए वादियाँ देखिए नैनीताल की, कितनी बोटिंग हो रही है आप लोग वो देखिए। उधर कौन सा ताल है भैया, उस साइड, इस साइड, इधर? अच्छा इधर मल्ली ताल है और इधर तल्ली ताल। अब व्यू देखिए भाई आप, गजब का सीन है। यहाँ से वापसी? हाँ, वो उस साइड वाले हैं बोटिंग वाले, वो वाले उधर वहाँ से बोटिंग हो रही है ना। हाँ हाँ, से बोटिंग करेंगे ऐसे को घुमा के वहीं पे छोड़ेंगे। हाँ, से भी बोटिंग होती है, लोग वहाँ से, जो लोग वहाँ से बैठेंगे राउंड करके उसको वहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ यहाँ से राउंड करके। मछलियाँ बड़ी बड़ी हैं भैया, दस दस किलो की? तो क्या खाते होंगे वो लोग, चारा भी नहीं डालते? अच्छा, ये भी अच्छा है, हम देखे थी। हाँ, फोटो खींची, इधर बैठी, इधर आ सकते हैं, फोटो खींचना है, आराम से आना, रुक जाओ, फोटो बंद करो, रुक जाओ पहले बीच में होने दो। अरे बीच में होके जा, मैं बीच में हो जा रहा हूँ, अब बीच में से ही जाना, बीच में ही जाके बीच में बैठ जाओ, बैठ जाओ बीच में। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग नैनीताल लेक में, नैनी लेक में हम लोग जो है नौका विहार कर रहे हैं, देख सकते हैं बोटिंग कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे व्यू देख सकते हैं आप लोग, और गजब का व्यू है, दो पहाड़ों के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए नाव में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ये लाइफ जैकेट भी पहने हुए सेफ्टी के लिए, तो बहुत ही आनंद आया है। आप लोग भी आइए नैनी लेक में, ज़रूर बोटिंग कीजिएगा। तो अभी आगे भी आपको ऐसे ही नज़ारे दिखाते चलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, इतना बेहतरीन नज़ारा है, नज़ारा देखो मेरे भाई। ये किसका मंदिर है भैया? पाषाण देवी। हाँ, पाषाण देवी, पाषाण देवी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पाषाण देवी का मंदिर है, एक किनारे पर, किनारे पे आपको लगातार आपको मंदिर ही मिलेंगे। यहाँ पे वाटर फिल्टर लगे हैं, तो देख सकते हैं नावें चल रही हैं कितनी, और नज़ारे देखिए भाई, खूबसूरत शहर है नैनीताल, आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों पे बसा स्वर्ग है तो यही है भाई। पैर थक जाते हैं 10-15 मिनट, इतना लंबा नहीं घूम पाते जितना आप घूमे हो ना, प्राइस सेम ही है, इतना लंबी बोटिंग नहीं कर पाते। यहाँ बगल में एक और नाव है, आप लोग देख सकते हैं, ये
अकाउंट नहीं, 50 नाव है। अच्छा भैया, इस नाव में कितने लोग बैठते होंगे? एक और बैठ सकता है, 3 सवारी और एक चालक। अच्छा, ऐसे कभी डूबी है नाव इधर? कभी नहीं डूबी। मोबाइल वोबाइल किसी का गिरा हो कभी? मोबाइल हाँ गिर जाते हैं किसी का, तब तो उनका काम खत्म। कोई इसमें उतरता नहीं कभी? देख सकते हैं नैनीताल का दृश्य, मज़ा आ रहा है भाई। पीछे का दृश्य आप लोग देख लीजिए। छोटू कैसा लग रहा है? फुल्ला फुल्ला, मज़ा मज़ा आ रहा है। चेहरे पे डर लग रहा है मेरे को। अरे यार, यहाँ इसमें क्या डरना, इनको बस अपने फ़ोन की पड़ी हुई है, या फिर तुम ब्लॉग बना के फ़ोन छोड़ दो यहीं पे। नहीं भाई, डर तो लगेगा ना, पैसा लगा है यार। पैसा लगाया है तो बहुत लगा है। मजा आया है भाई, मजा आया है। छोटू भाई भी मजा ले रहे हैं फुल नैनीताल में। देख सकते हैं किनारे पे और भी बोट यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ उल्टे भी हो गए हैं। और एंडिंग पॉइंट आ चुका है, तो देख सकते हैं हम तल्ली ताल की तरफ बढ़ चुके हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं वहाँ पे गांधी जी भी खड़े हुए हैं, आपको दिखाते हैं गांधी जी। भैया के ठीक पीछे गांधी जी हैं, और लोगों की भीड़ देख लो भाई, लोग बोटिंग करने के लिए एकदम उत्साहित हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है नैनीताल का। हम लोग एक चक्कर उधर से लगा के इस साइड जा रहे हैं अब, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था हम लोग का बोटिंग का, तो उस साइड हम लोग चल रहे हैं। और देख सकते हैं बहुत सी नावें यहाँ पे चल रही हैं, बहुत से लोग बोटिंग करते हैं यहाँ पे। जो भी सैलानी आता है बिना बोटिंग करे नहीं जाता। तो देख सकते हैं आप भी आइए नैनीताल घूमिए, बहुत ही सुंदर शहर है, प्रकृति की देन है, एकदम प्राकृतिक माहौल रहता है यहाँ पे। उत्तराखंड देवभूमि में स्थित है, तो नैनीताल आइए, ज़रूर बोटिंग कीजिए दोस्तों। दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो बाबा, नींद करो।